एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपिका शर्मा। आज हम जानने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में, जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। एज यू ऑल नो कि जितने भी हिमाचल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, वहां पे हिमाचल जीके जरूर पूछी जाती है। तो आज हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, इसका नाम हिमाचल प्रदेश क्यों पड़ा? प्रदेश का मतलब तो होता है राज्य, बट इसको पर्टिकुलरली हिमाचल नाम इसलिए मिला है बिकॉज हिमाचल जो वर्ड है उसकी बताती हूँ आपको। हिम प्लस आचल, दो वर्ड्स के जॉइन से बना हुआ है हिम प्लस आचल। हिम का मतलब होता है आइस, या आप बोल सकते हैं स्नो, और आचल का मतलब होता है माउंटेन्स। तो ऐसी पहाड़ियां जहां पे बर्फ रहती है, तो इसका कलेक्टिव मीनिंग है माउंटेन सराउंडेड बाय स्नो, या बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां। तो जो हिमाचल प्रदेश है वो अपनी स्नो के लिए, अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत ज्यादा फेमस भी है। दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे वेदर को एंजॉय करने। नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल सीनरीज इतनी सुंदर है, और यहाँ पे स्नो पड़ती है, इसके लिए फेमस है हिमाचल प्रदेश। तो बीइंग नेटिव्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, हमें पता होना चाहिए कि हिमाचल का मीनिंग क्या है, हिमाचल वर्ड। इस प्रदेश को हिमाचल प्रदेश ही क्यों कहा जाता है? तो ये थी बेसिक से इन्फॉर्मेशन। अब हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो ज्योग्राफी है, इंडिया के मैप में पोजीशन कहाँ है, लोकेशन कहाँ है, कितने स्टेट्स के साथ इंडिया की ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है, और क्या ये किसी और कंट्री के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो उसके लिए मैंने छोटा सा माइंड मैप बनाया है, शॉर्ट नोट्स लिखे हैं, आप चाहे तो अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो जो हिमाचल प्रदेश है, सबसे पहले हमें ये पता है कि फोर डायरेक्शन हमारे पास होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो नॉर्थ में जो है हिमाचल प्रदेश, जो इंडिया के मैप में इसकी लोकेशन है उसके हिसाब से, नॉर्थ में हिमाचल प्रदेश की है जम्मू एंड कश्मीर, और इसके ईस्ट में है तिब्बत या चाइना, जो आपने देखा होगा मैप में कि ये कंट्री के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है, और वो कंट्री कौन सी है? तिब्बत। ईस्ट में डायरेक्शन भी आपको पता होनी चाहिए कि ईस्ट में। अब वेस्ट में ये लगता है पंजाब के साथ, और अब साउथ में जो है, साउथ में दो स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, उसमें साउथ ईस्ट में ये लगता है उत्तराखंड के साथ, और साउथ वेस्ट में हरियाणा के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसमें से जो पंजाब स्टेट है उसके साथ इसकी मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स, हिमाचल प्रदेश की पांच जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी बाउंड्रीज जो है वो पंजाब के साथ लगती है। तो अगर ये भी कभी पूछा जाए कि सबसे ज्यादा बाउंड्री किस स्टेट के साथ शेयर करता है हिमाचल प्रदेश, तो वो है पंजाब, क्योंकि पांच डिस्ट्रिक्ट्स जो है हिमाचल प्रदेश की वो पंजाब के साथ लगती हैं, बाकी सबके साथ कम लगती हैं एज कम्पेयर टू पंजाब। और यहाँ पे तिब्बत एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ ये अपनी बाउंड्री जो है वो शेयर करता है हिमाचल प्रदेश। अब एरिया वाइज देख लेते हैं। एरिया वाइज जो प्लेस है इंडिया में हिमाचल प्रदेश की, वो है 18th, और ये 1.7% ऑफ इंडिया का टोटल एरिया है, उसमें से सिर्फ 1.7% जो है उसमें हिमाचल प्रदेश है, और इसका रैंक जो है वो 18th है। और पॉपुलेशन वाइज जो है हिमाचल प्रदेश का रैंक जो है वो 20th है। कुछ बुक्स में या कई जगह 21 लिखा हुआ है, 21st लिखा हुआ है, बट जो रीसेंट है, मैंने रीसेंट चेक किया था, उसके अकॉर्डिंग इसकी प्लेस जो है वो 20th प्लेस है ऑल इंडिया में पॉपुलेशन वाइज। हिमाचल प्रदेश की ऑर्गेनाइजेशन 15 अप्रैल 1948 को हुई थी। छोटी बड़ी रियासतों को मिला के प्राइंसली स्टेट इज 30 बिग एंड स्मॉल प्राइंसली स्टेट्स को मिलाकर हिमाचल प्रदेश की ऑर्गेनाइजेशन की गई थी 1948 में 15 अप्रैल को। तो इस दिन को हमारे हिमाचल में हर साल हिमाचल डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये डेट भी इम्पोर्टेंट है आपको याद रखने के लिए कि हिमाचल डे हर साल कितनी डेट को मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 15 अप्रैल को। बट हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा, कंप्लीट स्टेटहुड जो है वो मिला था 25 जनवरी 1971 को। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश को फुल स्टेटहुड कब मिला था, तो ये मिला था 25 जनवरी 1971 को। बट आपने कंफ्यूज नहीं होना है, हिमाचल डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 15 अप्रैल को, जब इसको बनाया गया था, राज्य ऑर्गेनाइजेशन की गई थी। बट फुल स्टेटहुड की डेट भी आपको याद रखनी है, बट हिमाचल डे की ये नहीं सोचना है कि इस दिन फुल स्टेटहुड मिला था तो ये हिमाचल डे है, मीन्स कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। बट जो हिमाचल डे है वो 15 अप्रैल को मनाया जाता है जब इसकी ऑर्गेनाइजेशन हुई थी, बट फुल स्टेटहुड जो है वो 1971 में जनवरी 25 को मिला था, हमारे गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले।
तो उसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश में 5 मुख्य नदियां बहती हैं, मेन रिवर्स जो है वो बहती हैं, वो कौन कौन सी है? रावी, ब्यास, सतलुज, चिनाब और यमुना। इसमें से सबसे लंबी नदी जो हिमाचल में से होके गुजरती है वो है सतलुज। सतलुज का ज्यादा पार्ट है, ज्यादा लंबी, ज्यादा जगहों से गुजरती है। वैसे लंबी नहीं बोल सकते कि हम सबसे ज्यादा लंबी है, बट हिमाचल में इसका जो बहने का एरिया है वो सबसे लंबा है सतलुज नदी का, और सबसे कम है यमुना नदी का। ऐसे नहीं सोचना कि जो यमुना नदी है वो सबसे छोटी है, हिमाचल में इसका पोर्शन जो है वो स्मॉलेस्ट है और लॉन्गेस्ट है सतलुज का। बट अगर हम देखा जाए वाटर डेंसिटी के हिसाब से तो चिनाब नदी जो है वो लार्जेस्ट है वाटर डेंसिटी, इसकी लार्जेस्ट है वाटर डेंसिटी इन हिमाचल प्रदेश, पर्टिकुलरली हिमाचल प्रदेश में इसकी जो वाटर डेंसिटी है वो लार्जेस्ट है। उसके बाद है रेंज ऑफ हाइट ऑफ एचपी अबव सी लेवल। आपको पता है समुद्र तल से सारी ऊंचाइयां नापी जाती हैं, देखी जाती हैं, उस हिसाब से ये भी क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा गया था कि समुद्र तल से हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई की रेंज कितनी है, तो वो आपको याद रखनी है 350 to 7500 meters के बीच में। 350 to 7500 meters के बीच में जो रेंज है हिमाचल प्रदेश की अबव सी लेवल है। उसके बाद ये जो मैं अभी आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताने वाली हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ देखा है, किसी में ओनली लैटिट्यूड पूछा जाता है, किसी में लॉन्गिट्यूड पूछा जाता है अलग अलग फॉर्म्स में, तो ये तो आपको बिल्कुल ही याद रखने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एट विच लैटिट्यूड एचपी इज सिचुएटेड एंड एट विच लॉन्गिट्यूड एचपी इज सिचुएटेड, मतलब दोनों पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि जो हिमाचल प्रदेश है वो लॉन्गिट्यूड पे कितनी वैल्यू लेता है, 75 degrees 47 minutes to 79 degrees 04 minutes। अब उसके साथ डायरेक्शन भी आपको पर्टिकुलरली याद रखनी है, हो सकता है दो ऑप्शन हो जिसमें सेम आपको वैल्यूज दी हो बट डायरेक्शन डिफरेंट दी गई हो, तो आपको इसके साथ जो डायरेक्शन भी है वो भी बिल्कुल याद रखनी है। तो यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन है लॉन्गिट्यूड के लिए, लॉन्गिट्यूड के लिए ईस्ट डायरेक्शन है और लैटिट्यूड के लिए जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ है, और इसके साथ नॉर्थ की जो वैल्यू है जिसमें हिमाचल प्रदेश सिचुएटेड है, मतलब उसकी लोकेशन है लैटिट्यूड में, वो है 30 degrees 22 minutes to 33 degrees 12 minutes इन नॉर्थ। तो ये दो वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद कर लेना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि हिमाचल का राज्य पक्षी कौन है, राज्य जानवर कौन है, फूल कौन सा है, पेड़ कौन सा है, तो उसको मैंने यहाँ पे समराइज किया है, आप इसको एज इट इज नोट्स में लिख सकते हैं और याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हिमाचल का राज्य जानवर कौन है, स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन है, तो ये है स्नो लेपर्ड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ हिमाचल का राज्य जानवर है। और उसके बाद राज्य पक्षी, स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश है वेस्टर्न ट्रैगोपन, जिसको हिंदी में जुजुराना कहते हैं। उसके बाद है स्टेट फ्लावर ऑफ हिमाचल प्रदेश, राज्य फूल हिमाचल प्रदेश का है पिंक रोडोडेंड्रॉन कैपेनुलेटम। ये जो है ये इसका साइंटिफिक नेम है, इसको याद रखना थोड़ा मुश्किल है बट आपको पता होना चाहिए साइंटिफिक नेम भी, और हिंदी में इसको याद रखना इजी है, गुलाबी बुरांस। गुलाबी बुरांस जो है वो हिमाचल का राज्य फूल है। उसके बाद है ट्री, आपको भी पता है हिमाचल प्रदेश में देवदार के बहुत ज्यादा पेड़ होते हैं, तो यही है हिमाचल का स्टेट ट्री। तो डियोडोर सिडर इसका साइंटिफिक नेम है या इंग्लिश नेम है, और इसको हिंदी में देवदार हम बोलते हैं। उसके बाद फ्रूट तो सभी को पता है, हिमाचल प्रदेश का फेमस भी फ्रूट है और सबसे ज्यादा यहाँ पे उगाया जाता है सेब, एप्पल जो है वो स्टेट फ्रूट ऑफ हिमाचल प्रदेश है। अब कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन बने थे, तो जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश थे वो थे यशवंत सिंह परमार, कई बार शॉर्ट फॉर्म में YS परमार भी पूछ लिया ऑप्शंस में होता है, तो वही होते हैं, मतलब फर्स्ट जो थे वो यही थे यशवंत सिंह परमार जी। और उसके बाद फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश थे श्री एस चक्रवर्ती जी, वो श्री लगाने के चक्कर में एस रह गया, तो एस चक्रवर्ती जी जो है वो फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश बने थे जब हिमाचल प्रदेश ने फुल स्टेटहुड जो है वो गेन किया था। अभी प्रेजेंट में जो है, अभी हम प्रेजेंट की भी बात कर लेते हैं, करंट में आ जाएगा हमारे करंट अफेयर्स में कि प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन है, तो वो है श्री जयराम ठाकुर जी। और
प्रेजेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश के हैं। थोड़े दिन पहले तक जो हमारे प्रेजेंट गवर्नर थे वो बंडारू दत्तात्रेय जी थे, जिनको अब हरियाणा के गवर्नर बना दिया गया है। और हमारे हिमाचल प्रदेश के जो न्यू गवर्नर बने हैं उनका नाम है श्री राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। तो ये भी करंट अफेयर्स से भी इम्पोर्टेंट है कि नए हिमाचल के गवर्नर कौन बने हैं, और वैसे भी आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि कौन है। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक आप मेरी वीडियोस देखते रहिए। पुरानी वीडियोस मैंने साइकोलॉजी और मैथ्स के रिलेटेड भी डाली है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। और आपके लिए क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। वैसे तो दो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, एक टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर है और एक बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर है। तो अगर तो आपको दोनों पता है तो आप दोनों भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो आपको एजुकेशन मिनिस्टर तो जरूर कमेंट करके बताना है कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है प्रेजेंट टाइम पे हिमाचल प्रदेश के। उसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी हिमाचल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको पता है हिमाचल जीके तो हमेशा पूछी ही जाती है। और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।